कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, उसकी बात कर लेते हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय महासचिव हैं अनीता रावटे, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और लगातार कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पर उपेक्षा और अपमान के भी अब आरोप लगाए जा रहे हैं। चला चली की दरअसल बेला है कांग्रेस में और इसी वजह से अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में उपेक्षा होती है, कांग्रेस में अपमान होता है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वे रह चुकी हैं अनीता रावटे, कल सीएम साय के सामने बीजेपी में शामिल भी हो सकती हैं। सोमनाथ तोंडेकर संवाददाता महासमुंद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, एक बड़े झटके के तौर पर इसे माना जाए, क्या कुछ कह गई हैं कांग्रेस नेत्री? जी बिल्कुल, इसे एक बड़े झटके के तौर पे देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे जैसे हुआ है और जैसे जैसे जो है वोटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे तेज होती जा रही हैं और राज्य में उन पहले चरण की 19 तारीख को जैसे ही चुनाव लोकसभा की होगी और दूसरे चरण के मतदान महासमुंद में होना है, इससे पहले ही अनीता जी रावटे का यहां से इस्तीफा देना एक बड़े झटके के तौर पर इसको कह सकते हैं, क्योंकि वह महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और वर्तमान में ये जो है छत्तीसगढ़ महिला आयोग के सदस्य के पद पर थी और कांग्रेस पार्टी के उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और पीसीसी चीफ दीपक बैज के नाम से इस इस्तीफे को उन्होंने लिखा है और पार्टी पर उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया है। जी अनीता रावटे अपमान के आरोप लगाए हैं। वैसे सोमनाथ, पॉलिटिक्स आज के दौर में एक प्रोफेशन से कम तो है नहीं, कोई सेवा वाला भाव तो रहता नहीं है। खैर, इस बीच कोई ऑफर इनके पास पहले से था, जैसे कि खबर आ रही है कि बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं? जी बिल्कुल, इसको स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनीता रावटे के अलावा किसान कांग्रेस के भी जिला अनीता रावटे जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। तो सोमनाथ, आप थोड़ा हमारे साथ बने रहिए। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और अचानक से उपेक्षा अपमान का एहसास होने लग जाना, सवाल यही है कि क्या पॉलिटिक्स अब वाकई में जनसेवा का माध्यम रह गई है या प्रोफेशन बन गई है? मैंने, जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं जनसेवा में पहले थी तब मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ और जनसेवा के लिए पॉलिटिक्स को एक माध्यम ही मानती हूँ। आज भी लक्ष्य पूर्ति ना होने के कारण मैंने अपने रेजिग्नेशन को दिया है। मुझको महिला आयोग का, राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है इस सरकार में और संवैधानिक पद होने के कारण ना मैं अपने फील्ड में काम कर पा रही हूँ, ना मैं संगठन में खुले रूप से काम कर पा रही हूँ और अपने आप को बहुत बंधा महसूस कर रही हूँ। और ये 2 साल से लगातार मैं ऊपर वाले अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, संगठन को बोल रही हूँ कि मुझको इस संवैधानिक पद की से छुट्टी दी जाए कि मैं अपने फील्ड में काम कर पाऊँ। तो मेरा लक्ष्य ही जनसेवा है। तो जनसेवा करने के लिए अब इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या कुछ करने वाली हैं आप? जो बन पड़ेगा करूंगी, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता बदल सकते हैं पर लक्ष्य नहीं बदल सकते। लक्ष्य नहीं बदल सकते, पार्टी बदली जा सकती है? पार्टी बदली इसलिए जा सकती है क्योंकि 30 साल से मैंने जिस पार्टी को पसंद किया था, मैंने जिस पार्टी को चुना था, मैंने जिस पार्टी पे विश्वास जताया था, वो पार्टी के सिद्धांतों और विचारधाराओं और संगठनात्मक उसकी जो प्रक्रिया है, जो उसके वास्तविक क्रियाकलाप है, उसमें बहुत फर्क आ गया है। बहुत लंबा अरसा अनीता जी आपको लग गया, 30 सालों का अरसा लग गया आपको ये बात समझने में। क्या बीजेपी की तरफ से आपको ऑफर है? क्योंकि ये बात खबर आ रही है कि कल आप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लेंगी। देखिए, बीजेपी की तरफ से तो मुझको करीब पिछले 2-3 साल से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं कि आप इस पार्टी में आके अपनी सेवाएं दे सकते हैं, परंतु चूंकि मेरा अपना विश्वास इस पार्टी पे था और मैंने देखा कि मैं इस पार्टी में रह के जिस तरह का काम करना चाहती हूँ, जनसेवा का काम, मेरा मुख्य उद्देश्य जनसेवा से ही जुड़ा हुआ है। मैं पिछले 30 सालों से क्षेत्र में काम कर रही हूँ, ना वो मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है, ना मैं अपने लोगों के लिए, वंचितों के लिए कुछ काम कर पा रही हूँ जो मेरा उद्देश्य है। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो निश्चित रूप से रास्ता बदलना एक होशियारी का निर्णय है। आज एक बड़ा बयान चरणदास महंत साहब का सामने आया, उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं
उन्हें जूते मारने चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उन्होंने किसके लिए कहा ये एक अलग इशू है, उन्होंने जिस संदर्भ में कहा ये भी अलग इशू है। ना मैं पार्टी छोड़ के कभी गई, कठिन समय में मैंने पार्टी को पूरा पूरा संभाला, निष्ठा पूर्वक संभाला। 38 साल से मैं हूँ पार्टी में, तो निश्चित रूप से बहुत सारा समय पार्टी का संघर्ष में बीता जिसमें मैंने पार्टी को पूरी मदद की, परंतु जब पार्टी का समय आया तो पार्टी ने मेरे को दूध की मक्खी की तरह निकाल के एक किनारे कर दिया, लूप लाइन में डाल दिया, इसलिए कि मेरी पूरी राजनीति खत्म हो जाए। और राजनीति खत्म करना बड़ा उद्देश्य नहीं था, पर मेरे को व्यक्तिगत रूप से जो नुकसान हुआ वो मैं नुकसान ये महसूस करती हूँ कि जिस भावना से मैं आई हुई हूँ पार्टी में लोगों के लिए काम करने के लिए, वो काम नहीं हो रहा है, पार्टी काम नहीं करने दे रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके भविष्य के लिए, आपको बहुत शुभकामनाएं भी, हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात रखी। तो अनिता रावटे, राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाया, अपमान का आरोप लगाया और कहा कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं जनसेवा के माध्यम से राजनीति में आई, वो लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करेंगे। राजनांदगांव से खबर, कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं पर चरणदास महंत बरसे हैं और कहा है कि ऐसे लोगों को जूते से मारा जाना चाहिए जिन्होंने कठिन समय में कांग्रेस को छोड़ा है, उनको कभी पार्टी में वापस नहीं लेना है, ये भी वो कह गए और कहा कि हमने ही ऐसे नेताओं को सिर चढ़ाकर रखा था। सुन लीजिए, वो बन के कोई पुसारी नहीं होना चाहिए, चाहे हम वोट दे पत्र निकालने से, तो ऐसा आदमी मन ले तो हमारे जूता मारना चाहिए, तो ऐसा आदमी मन ले तो हमारे जूता मारना चाहिए। भूपेश भाई अगले बार मुख्यमंत्री बन लेता, चोर बगैर दूसर बन उठता, कहूँ बनेता, ये आदमी मन कठिन समय में हम अल्लाह छोड़ के जा से, वो बन के कोई पुसारी नहीं होना चाहिए, चाहे हम वोट दे पत्र निकालने से। इधर कोरबा में बीजेपी ने पोस्टर के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत पर निशाना साधा। बीजेपी ने लिखा कि रिमोट कंट्रोल सांसद अब और नहीं, बीजेपी के पोस्टर वॉर पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 8,250 रुपए देंगे, स्नातक कर चुके बेरोजगारों को भी रोजगार मिलने तक 1,00,000 रुपए सालाना भत्ता दिया जाएगा, सरकारी विभागों में जो 20,00,000 पद खाली पड़े हैं वे भी भर दिए जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ये बड़े वादे किए। साल पे 1,00,000 रुपये दिया जाएगा, सवा 8,000 रुपये ऐसे जो हमारी गारंटी पूरा करेगा, मौका दीजिए। केंद्र सरकार जब बनती है तो महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति महीना और साल भर में 1,00,000 रुपये उनको दिया जाएगा, बेरोजगार युवकों को 30,00,000 पद जो खाली पड़े वो भरे जाएंगे और उनको भी जिस साल वो ग्रेजुएशन कर लेंगे 1,00,000 रुपए एक साल के लिए दिए जाएंगे। वहीं दंतेवाड़ा की बात करेंगे जहां के किरंदुल के सब स्टेशन में आग लगने की घटना सामने आई है। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में ये आग लगी और आग लगने से बिजली सप्लाई बंद हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में आग लगी है और बिजली सप्लाई बंद हो गई, आग भी काफी बड़े पैमाने पर लगी हुई नजर आ रही है। दिनेश गुप्ता हमारे दंतेवाड़ा संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, ताजा स्थिति दिनेश, कब से लगी हुई आग, पाया गया काबू? जी, मैं बता दूं कि लोहानगरी किरंदुल के सब स्टेशन में करंट सप्लाई ट्रांसफार्मर में एक बड़ी आग लगी है। आग लगने से बचेली किरंदुल क्षेत्र में विद्युत सेवा 2 घंटे के लिए बाधित हो गई है। विभाग के कनिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विद्युत सेवा बहाल होने में लगभग 2 घंटे लगेंगे और लगभग ये 1 घंटे पहले से ही
बचेरी और बैलाडीला में लाइट का जो सप्लाई हो बंद हो चुका है। और कहीं ना कहीं आज ये जो गर्मी का मौसम है, इस गर्मी में स्वाभाविक सी बात है कि ये गर्मी है तो लाइट नहीं है तो लोगों को परेशानी लगभग दो घंटे लगातार उठाने पड़ेंगे। और आग देनी जो ये बड़ी पैमाने पर आग गर्मी की वजह से बढ़ गई है, सब स्टेशन में करंट सप्लाई बाधित हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा, इसके बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है? यहाँ कनिष्ठ अधिकारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा था कि लगभग बहाल करने में दो से ढाई घंटे लग जाएंगे, पर प्रयास रहेगा कि डेढ़ घंटे में भी कंप्लीट कर ले। हमारे प्रयास जल्द से जल्द बिजली सेवा को बहाल करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।